मुरादाबाद के मुंडा पांडे टोल प्लाजा के पास समाजवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टोल टैक्स पर रोक लिया। समाजवादी के कार्यकर्ता टोल पर ही बैठ गए और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। समाजवादी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामपुर यूनिवर्सिटी में मजदूरों का पैसा लगा है जो सरकार खत्म करना चाहती है। हम लोगों का कहना है कि आज हम खापे चाहे कितने मुकदमे लगा दें, लेकिन यूनिवर्सिटी को सरकार हाथ न लगाए, उसका अंजाम बुरा होगा। जुल्म की इंतहा हो गई है। सरकार को देश और प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत टूट रही है, उनका कोई ख्याल नहीं है। केवल इनका एक मकसद है, जौहर यूनिवर्सिटी जो शिक्षा के लिए बनी है, जहां लाखों लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको नेता नहीं करना चाहते हैं। पढ़ाई का जो कॉलेज बना है, जो यूनिवर्सिटी बनी है, उसको एक ख़त्म कर देना चाहते हैं। इन्हें प्रदेश की बहु बेटियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बहु बेटियों की इज्जत खुलेआम लुट रही है। आपको जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक सीतापुर जेल में बंद है, कल उसने रेप पीड़िता के साथ साजिश करके एक्सीडेंट किया, उसके साथ रेप किया, फिर एक्सीडेंट किया, उसका पूरा परिवार मार गया। पीड़िता लखनऊ ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसका इनको कोई ख्याल नहीं, उसकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है। केवल इन्होंने आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब और उनकी यूनिवर्सिटी को केंद्रित करके उसको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज रामपुर जाने के लिए चले हैं। हम लोग भी निश्चित रूप से रामपुर जाएंगे। यहाँ हमें रोक दिया गया है, तो हम यहाँ लोग चेयरमैन साहब और हमारे सारे साथी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं।